2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी और ओशो की 2 बार मुलाकात हुई थी। ये प्रसंग दूसरी मुलाकात का है। खुद रजनीश ने इसका जिक्र किया है। यह ब्रिटिश इंडिया का वह दौर था जब पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम उफान पर था। ओशो ने पहली बार रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को देखा था। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि तुम सबसे गरीब आदमी हो। ओशो की ये बात सुन कस्तूरबा गांधी मुस्कुराने लगी थी। उस वक्त ओशो की उम्र करीब 10 साल थी। उन्हें ट्रेन देखना थी। वे स्टेशन पहुंच गए। उनकी जेब में दादी के दिए 3 रुपए थे। ट्रेन 30 घंटे लेट थी। स्टेशन से सारे लोग वापस जा चुके थे पर ओशो वहीं बैठे रहे। स्टेशन मास्टर ने उन्हें टोका भी की, तुम सुबह से ही ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। काफी देर बाद ट्रेन पहुंची और स्टेशन मास्टर ने ओशो को गांधी से मिलवाया। गांधी जी दान पेटी लिए हुए थे। ओशो की जेब में 3 रुपए थे। गांधी जी ने कहा, ये पैसे देश के गरीब लोगों के लिए इस पेटी में डाल दो। कुछ सवाल जवाब के बाद ओशो ने रुपए दान पेटी में डाल दिए। दरअसल गांधी जी ने कहा था कि ये रुपए गरीब लोगों की मदद कम लिए हैं।